यहाँ के शंकराचार्य, यहाँ के बड़े बड़े नेता, नफरत फैलाने वाले लोग, जादूगर इसी राह पर चल रहे हैं। ये देश धर्म निरपेक्ष है, इसको धर्म निरपेक्ष बना रहने दो। सत्य बोलो, अगर सत्य नहीं बोल सकते हो तो मुंह पर लगाम लगाइए, जुबान पर लगाम लगाइए और मंदिर में बैठकर के रोटियां तोड़ने का काम करिए। देश को बांटिएगा नहीं, बड़े संघर्षों के बाद ये देश इकट्ठा हुआ है, ये तरक्की कर रहा है, प्रगति की राह पर चल रहा है और आप इसे तोड़ करके बर्बाद करना चाहते हो। इस मंसूबे में हम जैसे लोग हजारों हैं, लाखों हैं, आपको कामयाब नहीं होने देंगे। सम्मानित मुल्क के मालिकों, मैं बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, अभी एक बयान आया है और वो बयान आया है, भारत में चार शंकराचार्य होते हैं और चारों ही पद ब्राह्मणों के लिए रिजर्व हैं। एक हैं स्वामी निश्चलानंद जी, शंकराचार्य हैं, वयोवृद्ध हैं, कभी कुछ कहते हैं कभी कुछ उनके मुंह से निकल जाता है। उनका बयान आया है कि मुसलमानों के तीर्थ स्थल मक्का मदीना को मक्केश्वर महादेव घोषित कर दिया जाए, और ये निवेदन नहीं कर रहे, वो आदेश कर रहे हैं। जैसे कि ब्रह्मांड के वो बहुत बड़े अधिष्ठातपति हैं। और एक और उनका बयान आया है कि ताजमहल को तेजो महल बना दिया जाए, ज्ञान बापी को जो मस्जिद है उसे हिंदू मंदिर घोषित कर दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय शंकराचार्य महोदय जी, इतिहास की जानकारी हो, भूगोल की जानकारी हो, कभी पुरातन इतिहास आपने पढ़ा हो तो आपको पता होना चाहिए कि जो जगन्नाथपुरी मंदिर है आज भी उसमें बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है। आज भी जगन्नाथपुरी के मंदिर के सबसे ऊपर बुद्ध की प्रतिमा विराजमान है। अगर हिम्मत है आप में कब्जा करने की और दूसरे को उपहार स्वरूप देने की, आदेश करने की, तो कभी कभी ये भी चर्चा कर लिया करो कि जगन्नाथपुरी पर कब्जा क्यों करके रखा है, वो बुद्ध की प्रतिमा है। इतना ही नहीं, तिरुपति बालाजी, जो पूरी दुनिया कह रही है, शोध पत्र कह रहे हैं कि बुद्ध की प्रतिमा है, कभी कभी विचार करके ये भी कह दिया करो कि तिरुपति बालाजी बुद्ध हैं। जब इतना ही सत्य कहने की आपकी आदत पड़ी है, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुसलमानों को टारगेट करते रहते हो, उनके धर्म पर, उनके मजहब पर, उनकी व्यवस्था पर कुठाराघात करते रहते हो, आपको बड़ा मजा आता है। और आप जब ये कहते हो तो जो लोग जबरदस्ती बने हुए हैं या हिंदू, जिन्हें हिंदू माना नहीं जाता है, जैसे यहां पर अस्पृश्य लोग हैं, अनटचेबल लोग हैं, वो बड़ व्यवस्था में भी शामिल नहीं है, और जो शूद्र हैं, आदि आबादी के शूद्र हैं, ये भी कभी बड़ व्यवस्था में सम्मान नहीं पा पाए, आपकी सेवा करते रहे, ये लोग जबरदस्ती हिंदू बने हुए हैं, इन लोगों को बड़ा अच्छा लगता है जब आप मुसलमानों के मंदिरों पर, उनकी मस्जिदों पर, उनके आचार बने पर कुठाराघात करते हो। आज ऐसा नहीं कि आज मैं बोल रहा हूं आपसे, मैं उस समय भी बोला था जब श्रीलंका ने कोरोना में मरे हुए मुसलमानों को दफनाने की बजाय जलाने का आदेश किया था। मैंने कहा ये दुनिया अलग अलग विचारों की है, अलग अलग धर्मों की है, अलग अलग मान्यताओं की है, व्यक्ति कोई भी धर्म का पालन करे लेकिन कभी किसी धर्म पर आक्षेप ना करे, आरोप ना लगाए, उसको ध्वस्त करने का प्रयास ना करे। हस्र क्या हुआ, श्रीलंका का हस्र, वो भी बौद्ध हैं, मैं भी बौद्ध हूं, सत्य बात को हमेशा कहूंगा कि जब जबरदस्ती आप किसी की संस्कृति, सभ्यता, दर्शन को नेस्तनाबूद करने का प्रयास करते हो, वह नहीं बल्कि आप हो जाते हो। वही श्रीलंका की सरकार खुद खत्म हो गई जो वहां के मुसलमानों को, तमिलियनों को, ईसाइयों को खत्म करना चाहती थी, उसी राह पर देश भारत आज चल रहा है। यहां के शंकराचार्य, यहां के बड़े बड़े नेता, नफरत फैलाने वाले लोग, जादूगर इसी राह पर चल रहे हैं। ये देश धर्म निरपेक्ष है, इसको धर्म निरपेक्ष बना रहने दो। एक रंग में रंगने वाले लोगों, ये देश रंग नहीं पाओगे, बल्कि आप और आपका कल्चर, आपकी व्यवस्था हमेशा हमेशा के लिए ध्वस्त हो जाएगी। मैं आह्वान करता हूं आदरणीय सरस्वती निश्चलानंद जी से, शंकराचार्य हैं, कि कभी कभी सत्य भी बोल दिया करो। मैं बौद्ध भिक्षु हूं, श्रीलंका के बारे में जो मैंने बताया, अगर तुम में हिम्मत हो तो ये कहो कि जगन्नाथपुरी बुद्ध विहार है, कहो तिरुपति बालाजी बुद्ध विहार है, कहो मथुरा में तुमने बलात् कब्जा किया है, आधी जमीन तुमने मुसलमानों को दे दी, आधे पर तुमने मंदिर बना लिया है, कहो साकेत बौद्धों की है, जबरदस्ती संविधान के विरुद्ध जन भावनाओं के आधार पर तुमने
अयोध्या में मंदिर बनवा लिया। कहो ना, अगर इतने सच्चाधारी हो आप, शंकराचार्य हो, तो आपको पता चल जाएगा। इतिहास आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि शंकराचार्य का कब इस भारत में आगमन होता है, ईसा मसीह कब आए, मोहम्मद साहब कब आए और बुद्ध कब आए, और बुद्ध की संस्कृति ने इस देश को क्या दिया और आप इस देश को क्या दे रहे हो। गाय गोबर के अलावा, नफरत फैलाने के अलावा, दूसरों के मंदिरों में, मस्जिदों में कब्जा करने के अलावा आप कभी भी विकास की बात नहीं करते हो। तुलना करते हो तो भारत की पाकिस्तान से करने लगते हो, लोगों को बरगलाते हो। अरे कभी तुलना करनी हो तो रसिया से करो, अमेरिका से करो, जापान से करो, तब समझ में आएगा कि तुलना भी कोई चीज होती है। नफरत फैलाकर कब तक इस देश को बर्बाद करोगे? शंकराचार्य हो आप, सन्यासी हो, आप कम से कम सत्य बोलो, सत्य बोलो। अगर सत्य नहीं बोल सकते हो तो मुंह पर लगाम लगाइए, जुबान पर लगाम लगाइए और मंदिर में बैठकर के रोटियां तोड़ने का काम करिए। देश को बांटिएगा नहीं, बड़े संघर्षों के बाद यह देश इकट्ठा हुआ है, ये तरक्की कर रहा है, प्रगति की राह पर चल रहा है और आप इसे तोड़ करके बर्बाद करना चाहते हो। इस मंसूबे में हम जैसे लोग हजारों हैं, लाखों हैं, आपको कामयाब नहीं होने देंगे। और सत्य होगा वही टिकेगा, झूठ होगा वो मिट जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आपकी जय हो।